मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sunilive.com. नमस्ते आइए अंदर आइए आप लोग सब बैठिए हम अभी आते हैं देखिए हमारा घर जरूर छोटा है पर आप लोग यकीन मानिए कि दिव्या बेटी हमारे घर में जरूर खुश रहेगी और अगर दिव्या यहाँ खुश नहीं रही तो क्या हो गया वो हमारे फार्म हाउस आके रह सकती है सिद्धार्थ आप भी उनके साथ आ सकते हैं और आपके मॉम डैड कभी कभी मिलने आ जाएंगे आपका कहने का मतलब है कि आप हमारे सिद्धार्थ को घर जवाई बनाना चाहते हैं ऑफ कोर्स उसमें बुरा क्या है आप ये मिठाई खाइए उत्तरा क्या बोल रही हैं आप चुप हो जाइए प्लीज आप लोग उत्तरा की बात पे बिल्कुल ध्यान ना दें उसे मजाक करने की आदत है जी सिद्धार्थ मैंने आपके लिए कुछ सोचा है हमने सोचा है कि दिव्या से शादी करने के बाद आप हमारी फर्म में हमें ज्वाइन कर लीजिएगा फिर ऑटोमेटिकली घर बड़ा हो ही जाएगा तो पांडे जी अगर आपको लगे तो आप ये घर छोड़ के सारे वहीं शिफ्ट हो सकते हैं मुझे वही जॉब चाहिए जो मुझे मेरी काबिलियत पर मिली मुझे किसी की सिफारिश या जान पहचान पर मिली कोई जॉब नहीं चाहिए बेटा हम आपकी इस खुददारी की तारीफ करते हैं सिद्धार्थ अब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि क्योंकि आप हमारी बेटी दिव्या से शादी कर रहे हैं इसीलिए हमने आपको जॉब ऑफर बिल्कुल नहीं हमने आपके बारे में सब पता लगा लिया आपको जॉब इसीलिए ऑफर हो रही है क्योंकि आप एक बहुत ही काबिल कैंडिडेट हैं लीजिए ना आप लोग मुंह मीठा कीजिए ये सब हमने खुद घर पे ही बनाया लीजिए बहुत अच्छी बनी है बहुत टेस्टी है जी धन्यवाद अब जल्द से जल्द शादी की डेट भी डिसाइड होनी चाहिए इतनी जल्दी क्या है अब सब कुछ तय हो ही गया है तो फिर देर किस बात की हम नंदिनी बहू से सहमत है शुभ काम में देरी किस लिए पंडित जी को बोल के एक शुभ मुहूर्त निकलवा लेंगे दादी साहब मैंने पंडित जी से बात कर ली है दो दिन बाद शादी का शुभ मुहूर्त है वैसे भी दो दिन बाद तारा डूब जाएगा उसके बाद 6 महीने तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं है लेकिन 2 दिन में शादी की तैयारी कैसे होगी बहुत धूमधाम से शादी करनी और इकलौती बेटी की शादी है 2 दिन में तो नहीं हो पाएगी स्वरूप क्या फर्क पड़ता है शादी से मतलब है जो हमारी फैमिली के बहुत करीब हैं उन्हीं लोगों को इनवाइट करेंगे ठीक फिर शादी कहाँ होगी और कहाँ चाची साहब रघुवंशी मैंशन में नहीं नंदन शादी रघुवंशी मैंशन से नहीं होगी हाँ वहाँ नहीं जाना चाहते पर लड़की की शादी और उसकी विदाई उसी के घर से होनी चाहिए ना यही तो नियम है और घर में जो कुछ हुआ है उसे दुनिया को दिखाने की क्या ज़रूरत है देखिए नंदिनी आप जो भी कहें लेकिन हम उस नेगेटिव माहौल में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते ये तो गलत है हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी और विदाई वहीं से हो जहाँ वो पली बड़ी कितने सारे सपने देखे होते उसने हम दिव्या के सपनों के साथ इस तरह से अन्याय तो नहीं कर सकते ना दादी साहब अगर ऐसी ही बात है तो शादी रघुवंशी मैंशन से ही होगी हाँ पर हमारी एक शर्त है गायत्री देवी ये शादी में शामिल नहीं होंगी और अगर वो इस शादी में शामिल होंगी तो हम इस शादी में शामिल नहीं होंगे हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं कुंवर अगर गायत्री वहां होगी तो हम वहां नहीं आएंगे मत तंग करिए मैडम मैडम चलिए कमरे में बस कीजिए जाइए यहाँ से हमें अपने बेटे के साथ अकेला रहने दीजिए यहाँ पे आपके बेटे नहीं है यह आपकी गलत फहमी है अरे
यही तो बैठे हमारे राजवीर, आपको दिखाई नहीं दे रहा? हमारा बेटा बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है, आपको मालूम है? इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने म्यूजिक कंपटीशन जीत लिया था। I'm so proud of you, बेटा। अपनी माँ के लिए एक अच्छी सी धुन बजा दीजिए प्लीज। सुन लिया आपने कितना अच्छा बजा रहे हैं हमारे बेटे? मैडम जी, आपके बेटे यहाँ नहीं, दरवाजे पे। खुश रहे राजवीर, आपने कितनी खूबसूरत धुन बजाई पियानो पे, दिल हल्का हो गया। आपको पता है बेटा, हम बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा राजवीर अपनी माँ को कभी छोड़ के नहीं जाए, है ना? गायत्री जी, आपके बेटे तो अभी आए हैं। चुप रहिए आप, तब से बकवास करे जा रही है। जब गायत्री रघुवंशी अपने बेटे से बात कर रहे हैं तो आप बीच में टोकिए मत, समझी? ये माँ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? आई होप ये सब फिर से इनका कोई नाटक ना हो। अरे कहाँ जा रहे हैं राजवीर? हम तब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं पर आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे। आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस गए बेटा, कुछ तो बोलिए। हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तबीयत ठीक नहीं, क्या कह रहे हैं आप बेटा? आप खामखा कितना स्ट्रेस ले लेते हैं अपने ऊपर। आप जाके ऊपर आराम कीजिए। नंदिनी बहू, आप इन्हें ऊपर ले जाइए, हम अभी चाय भेजते हैं आप दोनों के लिए। राजवीर जी, माँ साहब से कुछ पूछ रही है, उनके सवालों का जवाब तो दीजिए। वो कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही, उनसे बात कीजिए ना। बस नंदिनी बस, अब हम समझ रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या करना चाहती हैं। पर आप हम दोनों के बीच में अब कुछ भी ठीक कराने की कोशिश मत कीजिए। सब कुछ ठीक कभी नहीं होगा, समझिए आप? आपकी वजह से हमारा बेटा नाराज होकर चला गया। आपको लाख समझाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप तब से बकवास किए जा रही हैं। जाइए यहाँ से, हमें आपकी सूरत नहीं देखनी है, चले जाइए। अरे स्वरूप बहू, दिव्या बिटिया कहाँ रह गई? वो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए गई है राजेश के साथ। अच्छा अच्छा, अरे जीती रही, खुश रही। मासा उत्तरा, तेवर सा, स्वरूप, आप सब घर आ गए, हम बहुत खुश हैं ये देखकर। ये घर आप सबके बिना ना बिल्कुल खाली खाली लग रहा था, इस घर को तो आप सबकी आदत सी पड़ गई है। नंदिनी बहू, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ दादी सर। लखन सिंह, जल्दी पानी और शरबत लाइए, जल्दी। आप लोग थक गए होंगे ना मासा, हम जल्दी से आप लोगों के लिए खाना बनवा के लाते हैं। गायत्री, इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ इस घर में आराम करने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ दिव्या बिटिया की शादी के लिए आए हैं। दिव्या की शादी? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। देखिए मासा, वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, दिव्या इतनी बड़ी हो गई है। हाँ देवर सा, दिव्या की शादी पूरे धूमधाम से करेंगे। दिव्या की शादी होगी जरूर इस घर से, लेकिन उसकी शादी में आप शामिल नहीं होंगे। इसलिए दिव्या की शादी से दूर रहिएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हम भी इस घर का हिस्सा हैं, दिव्या बेटी हमारी भी तो है। आप इस परिवार का हिस्सा थी और समझदारी इसी में होगी कि आप दिव्या बिटिया के शादी के हर फंक्शन से दूर रहें। इसी शर्त पे हम नंदिनी बहू के कहने पे यहाँ आने के लिए राजी हुए हैं। एक बार शादी हो जाएगी, हम सब वापस चले जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप मासा? हम आपकी बहू हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं और ये घर आप सबका भी तो है। मासा प्लीज, हमें छोड़ के मत जाइए, हम फिर से एक परिवार बनकर एक साथ रहेंगे, प्लीज। नंदिनी बहू, ये सब हमसे ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं? देखिए, हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और हमने सबसे माफी भी मांग ली है। हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए भी तैयार हैं। नंदिनी, नंदिनी बहू, आप बात करिए ना सबसे प्लीज, ये आपकी बात सुनेंगे। नंदिनी, आप हमारे लिए बात करेंगी ना,
बोलिए जी मां साहब, मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाऊं। मासा और सबके बीच सुलह मुझे 2 दिन के अंदर करना ही होगा, वरना एक बार शादी हो गई तो कोई भी इस घर में एक सेकंड के लिए नहीं रुकेगा। दिव्या, सिद्धार्थ की शादी हो रही है, काफी अच्छा लग रहा है। हेलो नंदनी। हाय राजवीर। हेलो। अब बैठिए ना। कहिए नंदनी, कैसे याद किया? अभय, आपको तो पता ही है, सिद्धार्थ और दिव्या की शादी परसों होने वाली है, तो हल्दी और मेहंदी की रस्म कल ही करना पड़ेगी, इसलिए हमने आपको फोन किया था। आप हमारी हेल्प जरूर करेंगे ना? Why not? मैं और नंदनी सारी रस्में यूं ऑर्गेनाइज कर देंगे। क्यों? आप अभय, नंदनी को तो और भी कामों में बिजी होना होगा, पर हम आपके साथ रहेंगे, उनका दिव्या के साथ होना भी जरूरी है। Excuse me. Hello. नंदनी, कैसी भी बात हो मुझे फोन करके बेहिचक बोल दिया। हर बात पे राजवीर पे डिपेंड होने की जरूरत क्या है? बात डिपेंड होने की नहीं है, ये हमारा म्यूचुअल फैसला है और आपस में सलाह मशवरा तो मैं हूं ना उसके लिए। हाँ वो तो है, आपका हाथ क्यों कांप रहा है? नहीं तो मेरा हाथ ठीक। नंदनी चलिए हमारे साथ, स्वरूप चाची को जाके बताना है कि ज्वेलर ज्वेलरी दिखाने आ रहे हैं। जी। अभय आप अपने काम में लग जाइए, टाइम बहुत कम बचा है। बेटा बजाइए ना। हम आपके लिए बजाकर अपने म्यूजिक को गंदा नहीं करना चाहते, हम आपके लिए पियानो कभी प्ले नहीं करेंगे। राजवी जी रुकिए और मासा की ओर देखिए और समझिए इन्हें कितना दर्द हो रहा, कितना पछतावा हो रहा है उन्हें। राजवी जी, उन्होंने जो कुछ किया उसका उन्हें बेहद अफसोस है, और अगर आपने इस तरह उनसे मुंह फेर लिया तो उनकी हालत और भी बिगड़ जाएगी। प्लीज एक बार उनकी तरफ देखिए, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए उनकी तरफ देखिए प्लीज। देखिए बेटा, आप बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं, आपको पता है हमने आपके लिए एक म्यूजिक कॉन्सर्ट प्लान किया है। स्मिथ सर से भी बात कर ली है, वो आपको बताएंगे कि कॉन्सर्ट में आपको क्या बजाना है, आपको अपने परफॉर्मेंस के लिए कितनी तालियां मिलेंगी, आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा। राजवीर, सो प्राउड ऑफ यू, सो हैप्पी। देख रहे हैं उनकी हालत को, आपको इतना मिस कर रही थी कि अपने दिमाग में आपका काल्पनिक रूप तैयार कर लिया। इनका भ्रम दिन बे दिन बढ़ते जा रहा है, आप प्लीज। नंदनी, अपनी इस हालत की ये खुद जिम्मेदार है, अब इनको जिंदगी भर अपने इस इमेजिनरी राजवीर के साथ ही जीना होगा, क्योंकि असली राजवीर को युग खो चुकी, इनके बेटा इनके लिए हमेशा के लिए मर गया है। ये क्या कह रहे हैं आप राजवीर जी, इनकी हालत देखकर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि हमने वो सब भी देखा जो आपने सहा, जो आप पर गुजरी है इस गायत्री रघुवंशी की वजह से।
जो औरत अपने बहू के खिलाफ ऐसी साजिश कर सकती है उसके लिए तो यही बर्ताव ठीक होगा, जिसने अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा दी उसके लिए तो यही रवैया ठीक है। राजू जी, मासा की हालत पल पल बिगड़ती जा रही, हमें कुछ करना होगा। डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें परिवार के सारे लोग और खास करके आपके साथ की जरूरत है। राजवीर जी, मासा का इलाज सिर्फ और सिर्फ आप है, आप ही इन्हें बचा सकते हैं। क्या हुआ नंदिनी? कुछ नहीं मासा, चलिए सोने का वक्त हो रहा है ना। हाँ चलिए। सुनो, तुम ये ड्रेप्स लगाना शुरू करो और उसके बाद उसमें फूलों की लड़ियां लगा देना। नंदिनी, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। थैंक्स अब। आओ मेरे साथ, जो डेकोरेशंस मैंने फाइनल किए हैं उन्हें एक बार तुम देख लो ताकि मैं काम आगे शुरू करूं। अब है नंदिनी, स्वरूप चाची आपको बुला रही है, किचन में उनको आपकी हेल्प चाहिए। जी अभय जी, मैं किचन में चाची की मदद करके आती हूँ। लेकिन नंदिनी, एक बार तुम डेकोरेशन फाइनल कर देती तो। अभय, हम आपके साथ आते हैं, डेकोरेशन हम फाइनल कर देंगे। चलिए। क्या हम भी दिव्या को हल्दी लगा सकते हैं? देखिए भाभी साहब, आज हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ दिन है और इस शुभ दिन पर हम किसी भी तरह की नेगेटिविटी को टॉलरेट नहीं करेंगे। शगुन का काम हो रहा है यहाँ पर भाभी साहब, तो आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। आप लोग हमें ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते, हमें भी। गायत्री, हर जगह आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप यहाँ से जाइए और हमें हल्दी की रस्म करने दीजिए। मासा, हमारे साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए प्लीज। दिव्या को एक बार हल्दी लगाने दीजिए। भाभी साहब प्लीज, एक तो पहले ही सिर्फ आपकी वजह से हम अपनी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से नहीं कर पा रहे, अब उस पर भी जो भी रीति रिवाज हम लोग आपस में कर रहे हैं उसको अच्छे से और शांति से हो जाने दीजिए। जी भाभी साहब, हम इस घर में इसी शर्त पे आए थे कि हमारी बेटी की शादी में आप बिल्कुल शामिल नहीं। देखिए ना, इसे आप शादी कहती हैं? हमारी बेटी का सपना था कि उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से हो, और क्यों ना सोचती ऐसा, भाई रघुवंशियों की बेटी है और कहीं ना कहीं हमारा और स्वरूप का भी यही सपना था। इस शादी को हम यादगार बनाना चाहते थे भाभी साहब, लेकिन आपकी करतूतों की वजह से हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो अपने बेटे और अपनी बहू के साथ किया उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको अपनी बेटी के सामने खड़े भी रहने देंगे? आप हमारी भाभी साहब सिर्फ नाम के लिए रह गई है, यहां का रिश्ता खत्म हो चुका है भाभी साहब। मासा प्लीज समझा दीजिए। सुन लिया आपने, आप यहां से चाहिए। नंदिनी बहू प्लीज आप समझाइए ना सब, आप ही इन्हें समझा सकती हैं। दिव्या, शादी का मतलब होता है दो दिलों का मेल, दो परिवारों का जुड़ना। ये मेल, ये जुड़ना, ये रिश्ता, ये सब तब और भी फलता फूलता है जब इसमें
हर एक बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद शामिल होता है। गलतियां तो बड़े छोटे सबसे होती रहती है, लेकिन उसके लिए हम उनसे उनका हक तो नहीं छीन सकते ना। बाकी सब समझने के लिए आप समझदार है दिव्या। भाभी, मैंने हमेशा देखा है कि आपका हर फैसला सही होता है। किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करना और उसके बाद डिसीजन लेने की बहुत अच्छी काबिलियत है आप में। मैंने आपका इशारा समझ लिया भाभी, और मुझे मेरे हर बड़े का आशीर्वाद चाहिए। के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी को फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com।